नमस्कार दोस्तों, अनमोल सत्य वचन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी जिंदगी की लड़ाई, लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं साथ नहीं। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ हम गुनाह करते हैं। दर्द सबके दिल में है, फर्क ये है कोई लिख रहा है कोई पढ़ रहा है। जब पैसा बोलता है तो सत्य मौन रहता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा। अपनी कमियों पर भी रखो नजर, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। झूठ बोलने वाले दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कभी भी अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, जरा सा रास्ता खराब होते ही कोई साथ नहीं देता। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुरे वक्त को भूल जाएं मगर बुरे वक्त से मिला सबक हमेशा याद रखें। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। अक्सर उन लोगों के दिल टूटते हैं जो सबका दिल रखने की कोशिश करते हैं। चार दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा दर्द सभी के बांट ले। कुछ नहीं साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ ये बांध ले। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अनुभव कहता है कि थोड़ा सोच समझ कर बोलिए अपनों से भी, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितना जल्दी बुरा मान लेते हैं। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को भी एक मिनट में नष्ट कर सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।